नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश रायकर और आप देख रहे हैं रायकर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी फिलहाल दिनों में ये चल रहा है कि व्हाट्सएप स्टिकर कैसे बनाए। व्हाट्सएप स्टिकर के बारे में बहुत आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी है और अभी ये वीडियो अभी ये अभी टॉपिक वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल है, अभी चल रहा है, आप देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी, मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उस पर देखे हैं, मैंने उस पर वीडियो भी देखी है, लेकिन वो इतना हार्ड तरीके से बता रहे हैं कि भाई यूट्यूब का जो पर्सनल स्टिकर है अपने फोटो का या अपने सेल्फ जो फोटो का स्टिकर बनाकर हम भेज सकते हैं, वो इतना हार्ड बता रहे हैं कि हर कोई व्यूवर जो है टेक के बारे में नहीं जानता है, वो व्हाट्सएप का स्टिकर है वो नहीं बना पाता है। तो दोस्तों, जितना हो सके आपको सिंपल तरीके से बताना चाहिए कि भाई हम इस तरीके से स्टिकर बनाकर सेंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए, सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। इसकी लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन है वो है आपकी पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, दोनों की लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है, एकदम सिंपल है, मैं आपको भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। और लोड एज फोटो पर आपको ओके करना है। जिस प्रकार लोड एज फोटो पर आपको क्लिक करते ही आपको अपनी जो मोबाइल की गैलरी उसमें से आपको फोटो दे सारे वो खुल जाएंगे, ठीक है। खुलने के बाद आप अपनी जो पर्सनल फोटो, जो आपकी फ़ोटो है वो आप स्टिकर बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप में, उसको आप स्टिकर बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो आना ऊपर आपको डन दिखाई दे रहा है, इस डन पर ओके करना है। इस पर ओके करते आपको इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑटो नहीं कर रहा हूँ, ऑटो में ठीक नहीं होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ मैजिक, मैजिक से आपको फटाफट हो जाएगा और आप मैजिक से रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड और पीछे का कैसे हटाएं, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप इस तरह से धीरे धीरे करके इसको एकदम आसानी से फोटो को एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है, एकदम तैयार अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखिए, मैंने रिपेयर कर दिया, लेकिन मेरे यहाँ पर एक साइड में राइट साइड का ये रहे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो अब आपको रिपेयर करना है, तो क्या करना है, आपको नीचे रिपेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और सिंपली आकर के वापस यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा कर देना है। देखिए यहाँ पर वो जो आपको कलर हुआ है वो वापस से हट जाएगा, बस आपको यही काम करना होगा, तो आपकी फ़ोटो आराम से अच्छी तरीके से पाची तैयार हो जाएगी। ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है। अब ऊपर आपको डन का बटन दिखाई दे रहा है, आपको डन कर देना है। जिसे डन करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। और एकदम वापस से नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए एक सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो रही है वापस से। तो आपको जाना है और मैनुअल पर जाना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको वापस से सही कर देना है और वापस से डन कर देना है। तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी इमेज। और ऊपर आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इमेज को सेव कर देना है। तो ये जैसे ही आपकी इमेज है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी इमेज है सेव हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आ जाना है डायरेक्टली बैक, सॉरी यहाँ पर आपको फिनिश कर देना वो। चलिए मैंने फिनिश हो गया मेरा, अगर मैं सीधा बैक आया हूँ या फिनिश कर दिया तो फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना होगा, आना है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, ठीक है, यहाँ पर आना है। और जो ये मेरे नीचे इमेज दिखाई दे रही है कि जो बैकग्राउंड इरेजर से जो भी इमेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अलग से वो डाउनलोड स्टिकर है वो दिखाई दे रही है, लेकिन इमेज वो स्टिकर में वो इमेज दिखाई जाएगी जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए मेरी ऊपर ये, तो ये इमेज दिखाई दे रही है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वो सारी इमेज यहाँ पर दिखाई दे देगी। तो मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ, सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है सेंडिंग टू व्हाट्सअप, ये व्हाट्सएप पर मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुकी है। तो यहाँ पर ही आपको राइट का निशान दे दिया जाएगा कि भाई ये आपकी इमेज है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आ जाना है व्हाट्सएप पर, ठीक है, और व्हाट्सएप पर आ जाना। तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप पर इस फोटो को ऑलरेडी सेंड करके दिखाया है आपको ये किस प्रकार से सेंड होती है, लेकिन आपको वापस यही फ़ोटो आपको सेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना ही है, एकदम सिंपल है, जो आप स्टिकर भेजते हो, और यहाँ से आपको इधर आना है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते जो आपके यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर क्लिक करने पर ये होगा और यहाँ पर ये है, जो आपके स्टिकर है वो हो गए, ठीक है ना। अभी हमने ये फ़ोटो तैयार की तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई, ये फ़ोटो अभी हमने तैयार की थी तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई। तो ये हम स्टिकर भेज सकते हैं, जैसे मैं ये और भेजता हूँ, ये भी मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोटो सेंड करके दिखा दी, देखिए ये फ़ोटो आराम से आपकी फ़ोटो वो स्टिकर की तरह बन जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, आप इजीली आराम से इस फोटो क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हैं बहुत इजी, व्हाट्सएप में आकर के आप सेंड करना। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो।